देखिए, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज नंबर 13, जिसमें 13.1 की एक्सरसाइज में हम 7 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, एक पासे को 3 बार उछाला गया है। जब एक पासे को हम 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम आएंगे 216। तो वो 216 परिणाम हम लिखेंगे नहीं, केवल इतना सा लिख लेते हैं कि जब पासे को 3 बार उछालेंगे, 3 बार उछालेंगे या 3 बार फेंकेंगे, 3 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम आएंगे, वो कुल परिणाम 216 होंगे, यानी 6 की घात 3, बोले तो 216। जब पासे को हम 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम आएंगे 216। अब देखिएगा, ई घटना दी है अपने को, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। तीसरी उछाल के ऊपर संख्या 4 आ रही है पासे पर। ज्ञात क्या करना है, ई अपॉन एफ ज्ञात करना है। इसका मतलब है कि एफ घटना की जानकारी अपने पास में है। सप्रतिबंध प्रायिकता में एक घटना की जानकारी हमारे पास में रहती है, उस घटना के घटित होने पर दूसरी घटना की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी होती है। तो देखिए, ई दिया है यहां तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। तो इन 216 परिणाम हैं, इनमें ऐसे परिणाम हम अलग करेंगे जिसमें तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट हो रही है। तो एक बार मैं लिखने का प्रयास करता हूं, देखना। मान लो पहले पासे पर 1 आया और तीसरी उछाल जो है पासे की उस पे 4 आया, फिक्स है। तो दूसरी उछाल पर क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, दूसरी उछाल पर 2 भी आ सकता है। देखिए, तीसरी उछाल पर 4 फिक्स है, पहली उछाल पर हम 1 फिक्स मान रहे हैं एक बार के लिए, तो दूसरी उछाल पे क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ऐसे ही 3 भी आ सकता है दूसरी उछाल पे, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो मैं लिख लेता हूं 1 4 4 1 5 4 और 1 6 4। पहली उछाल पर 1 आया, हमने मान लिया, तीसरी उछाल पर 4 आया है, हमने मान लिया, फिक्स है। तो यहां पे दूसरी उछाल पे क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। इसी प्रकार से यदि हम मान लें कि पहली उछाल पे 2 आया और तीसरी उछाल पे 4 आया, तो दूसरी उछाल पे क्या आ सकता है वापस, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। इस हिसाब से हम परिणाम लिखते जाएंगे। इसी हिसाब से 3 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। पहली उछाल पे 4 आया, दूसरी पे क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। इस हिसाब से हम परिणाम लिखते जाएंगे। ये परिणाम होंगे टोटल 36 परिणाम। 6 इसमें आएंगे, 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 6 इसमें आएंगे। टोटल ये 36 परिणाम है अपने पास, अर्थात ई घटना में टोटल परिणाम हो जाएंगे। ई में कुल परिणाम कितने होंगे, ई में कुल परिणाम होंगे वो होंगे 36। ओके, उसके बाद में बताया अपने को एफ घटना के बारे में। एफ घटना में क्या है, पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 और 5 प्रकट होता है। वालों, एफ घटना में आपको बताया है कि पहली 2 उछालें उस पर 6 और 5 आता है क्रमशः। पहली उछाल पे 6, दूसरी पे 5, तीसरी पे क्या आएगा कुछ पता नहीं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तीसरी उछाल की बात कर रहे हैं, पहली 2 उछालों पर तो फिक्स बताया उसने 6 और 5 में से, 6 5 2 6 5 3
6 5 4, 6 5 5 और 6 5 6। ये कुल परिणाम एन एफ में जो आएंगे वो 6 परिणाम होंगे। पहली दो उछालों पर 6 और 5 आ रहा है कि सभी में, लेकिन तीसरी उछाल पे फिक्स नहीं है, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है, छह भी आ सकता है, तो 6 परिणाम है टोटल। अब अपने को E अपॉन F ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा E अपॉन F का? E अपॉन F का फॉर्मूला होगा P E अपॉन F बराबर होगा N E इंटरसेक्शन F अपॉन NF। तो हमें E इंटरसेक्शन F में कुल कितने अवयव कॉमन आ रहे हैं, अर्थात E और F का पहले कॉमन निकालना पड़ेगा, उसमें अवयव की संख्या कितनी होगी वो यहाँ लिखी जाएगी, F में अवयव कितने हैं, F में 6 अवयव हैं वो यहाँ लिखे जाएंगे। तो F और E में मैं इंटरसेक्शन निकालता हूँ, E इंटरसेक्शन F। तो देखो 6 5 1, तो शुरुआत में 6 और 5 आ रहा है, तो इसमें शुरुआत में 6 5 आ ही नहीं रहा है, 6 5 1 कंडीशन में आ रहा है, इससे पहले आ रहा है 6 5 और 4। तो इन दोनों में अगर कॉमन की बात करें तो 6 5 4, एक तो ये अवयव और एक ये अवयव, ये दो ही अवयव कॉमन आ रहे हैं। इन दोनों अवयव की बात करें तो ये अवयव एक हुआ, यहाँ भी है और यहाँ भी है, अर्थात E इंटरसेक्शन F में कॉमन आ रहा है 6 5 4, मतलब ये एक अवयव कॉमन आ रहा है, तो अवयव की संख्या हो गई E इंटरसेक्शन F में अवयव हो गए आपके पास एक। तो अब ये अवयव की संख्या यहाँ लिख दो, E इंटरसेक्शन F में एक अवयव है, F में कितने अवयव हैं, टोटल 6 अवयव हैं, तो E अपॉन F की प्रायिकता हो जाएगी 1/6, ये आपका आंसर हो गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता और पुत्र यादृच्छा खड़े हैं, एक फोटो लगी हुई है घर में और उसमें फोटो में कौन कौन है, माता है, पिता है और उसका पुत्र है। तो देखिए माता पिता और पुत्र तीन की फोटो है, तो ये फोटो कैसे कैसे हो सकती है, या तो हो सकता है माता बीच में है, पिता और पुत्र सिरे पर है, तो एस एम एफ, या हो सकता है कि पहले यहाँ पुत्र है बाद में पिता है, तो हो सकता है पिता पहले हो बाद में पुत्र हो, माता बीच में, दो परिणाम ये हो गए। ऐसे ही पिता यदि मध्य में है, पुत्र और माता सिरे पर है, तो दो परिणाम ये हो गए। ऐसे ही अगर पुत्र मध्य में है तो माता और पिता दोनों दाएं बाएं हैं इसके, ऐसा हो सकता है। तो टोटल परिणाम अपने पास हो गए ये 6, टोटल 6 परिणाम है अपने पास, अर्थात क्रमचय की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं और तीनों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो फैक्टोरियल 3 बोले तो 3 × 2 यानी 6 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये 6 प्रकार से व्यवस्था दर्शाई गई है, अर्थात तो वो फोटो में इस प्रकार से खड़े हो सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है ई है घटना, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, तो ई घटना में कौन कौन से परिणाम आएंगे, ई घटना में पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, देखिए पुत्र यहाँ सिरे पर खड़ा है, यहाँ भी सिरे पर खड़ा है, यहाँ भी सिरे पर खड़ा है और यहाँ भी सिरे पर खड़ा है, बाकी दो परिणाम जिसमें पुत्र मध्य में खड़ा है, तो अपने को तो वो परिणाम लेने जिसमें पुत्र सिरे पर खड़ा हुआ, तो 4 परिणाम है, एक तो एस एम एफ, एफ एम एस, एस एफ एम, एम एफ एस, ये 4 परिणाम आएंगे ई घटना में। ऐसे ही एफ में कौन से परिणाम आएंगे, एफ में लिखा हुआ है पिता मध्य में खड़े हैं, तो इन परिणामों में ऐसे परिणाम उठाने हैं जिसमें पिता मध्य में खड़े हैं, तो एक परिणाम तो ये रहा जिसमें पिता मध्य में खड़ा है, एक परिणाम ये रहा जिसमें पिता मध्य में खड़ा है, बाकी में पिता सिरे पर है, तो दो परिणाम है इसमें, कौन कौन से, एक तो एस एफ एम, दूसरा है एम एफ एस, एस में सन को बोल रहा हूँ, एम या मदर को बोला गया, एफ या फादर को बोला गया। तो देखो ई में टोटल परिणाम कितने हैं, ई में टोटल परिणाम है 4, एफ में टोटल परिणाम कितने हैं, एफ में टोटल परिणाम है 2। अब हम देखेंगे ई इंटरसेक्शन एफ में कितने अवयव कॉमन आएंगे, तो ई इंटरसेक्शन एफ में आप देख रहे हैं 2 अवयव कॉमन आ रहे हैं, कौन कौन से, एक तो एस एफ एम,
एस एफ एम और एक एम एफ एस, एम एफ एस दो अवयव ये कॉमन आ रहे हैं, एस एफ एम और एक एम एफ एस। अर्थात अगर मैं बात करूं ई इंटरसेक्शन एफ में टोटल अवयव कितने हैं, तो इसमें टोटल अवयव हैं दो, और एफ में अवयव कितने हैं, तो एफ में टोटल अवयव हैं दो। तो अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी है पी ई अपॉन एफ की, तो फॉर्मूला होगा एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एन एफ। मान रखेंगे तो ई इंटरसेक्शन एफ में अवयव कितने हैं दो, और एफ में अवयव भी दो, तो दो से दो कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट आएगा वन, अर्थात ई अपॉन एफ की प्रायिकता हो जाएगी एक। ये अपना आंसर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, बोला गया है एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है। एक काला पासा और एक लाल पासा, इन दोनों पासों को उछाला गया है, मतलब पासे कितने उछले हैं, तो पासे दो उछले हैं, दो पासे उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे, कुल परिणाम आएंगे 36, जो कि लिखे हुए हैं। अर्थात या तो 1.1 आएगा या 1.2 आएगा, 1.3, इस हिसाब से सारे परिणाम मैंने 36 परिणाम लिख दिए हैं। अब देखना यहाँ पे पहले वाले पासे पर 1 है, दूसरे वाले पासे पर 1 है, इसका मतलब क्या है, पहले वाला 1 बता रहा है वो काले पासे पर आई हुई संख्या है, और दूसरे वाले परिणाम जो यहाँ लिखे हुए हैं, हर परिणाम में दूसरे वाली संख्या जो लिखी हुई है वो लाल पासे पर आई हुई है। अपने को पूछा गया है पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। यदि ये ज्ञात है कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, काला पासा पहले वाला है, तो पहले वाले पासे पर 5 प्रकट हुआ है ये हमें पता है, तो जो ज्ञात घटना है उसको मैं मान लेता हूँ F, और जिसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है उस घटना को मैं मान लेता हूँ E। तो E क्या है, E है पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक, और F है ये हमें ज्ञात है कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, तो F घटना लिख देंगे काले पासे पर संख्या 5 प्रकट हुई है। हमें ज्ञात करनी है P E अपॉन F, अर्थात F के घटित होने पर E की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो फॉर्मूला लिखेंगे N E इंटरसेक्शन F अपॉन N F। तो हमें E इंटरसेक्शन F में अवयव की संख्या देखनी है और F में अवयव की संख्या देखनी है, तो देखो सबसे पहले E में कौन कौन से अवयव आएंगे, तो E में देखना E क्या है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक है। इन दोनों संख्याओं का योग 9 से ज्यादा है क्या, नहीं है, इनमें से किस कोई भी परिणाम ऐसा नहीं है पहले वाली पंक्ति में कि कोई भी योग करें तो 9 से ज्यादा हो जाए, इसमें भी नहीं है। इसमें देखो एक परिणाम लिखा हुआ है 3.6 जिसमें योग करें तो 9 होता है, क्वेश्चन में शर्त है 9 से अधिक होना चाहिए, ये भी नहीं आएगा। ये 5.4, ये 4.5, ये भी 9 होता है, 9 से ज्यादा चाहिए, तो एक तो ये लिखा हुआ 4.6, इससे आगे चलें 5.1 नहीं है, 5.2 नहीं है, 5.3 नहीं है, 5.4 नहीं है, ये रहा 5.5, 5.6, 5.5, 5.6, इससे आगे चले 6.1 नहीं है, 6.2 नहीं है, 6.3 भी नहीं है, यहाँ से देखो 6.4 योग करें तो 10 होता है, तो 6.4, 6.5 और 6.6, अर्थात ई में परिणाम है टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 परिणाम है जिसमें योग 9 से ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं एफ घटना की, तो एफ में कौन कौन से आएंगे, देखो काले पासे पर संख्या 5 प्रकट हुई है, काला पासा पहले वाला है, तो पहले वाली जितनी भी संख्या है सब काले पासे पर है, और काले पासे पर आया क्या है 5 आया, इसमें देखो 5 आया क्या, नहीं है, किसी में नहीं है, इसमें भी नहीं है, पहले 5, तो पहले 5 अपने को यहाँ मिलेगा 1, 2, 3, 4,
पाँच छः, छः परिणाम है। पाँच कोमा एक, पाँच कोमा दो, पाँच कोमा तीन, पाँच कोमा चार, पाँच कोमा छः। और कोई परिणाम ऐसा नहीं है कि काले पासे पर पाँच आया हो, यही परिणाम है। तो अगर मैं इन दोनों में इंटरसेक्शन देखूं, क्योंकि हमें तो इंटरसेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ई और एफ में यदि हम इंटरसेक्शन देखें तो देखो पाँच कोमा पाँच, पाँच कोमा तीन, पाँच कोमा चार, ये आ गया पाँच कोमा पाँच, और एक परिणाम हो पाँच कोमा छः भी आएगा। तो पाँच कोमा पाँच इसमें है, पाँच कोमा पाँच भी है, पाँच कोमा छः, पाँच कोमा छः भी है। उसके बाद में कोई भी अवयव है वो कॉमन नहीं आ रहा है। तो आ जाएंगे पाँच कोमा पाँच और पाँच कोमा छः, ये दो अवयव कॉमन आ रहे हैं। अर्थात ई इंटरसेक्शन एफ में टोटल अवयव कितने हुए, ई इंटरसेक्शन एफ में टोटल अवयव हुए दो। और अगर मैं बात करूं एफ में अवयव कितने हुए, तो एफ में अवयव हो जाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः, टोटल अवयव हुए छः। तो ये सारे मान उठा करके हम वहाँ रखेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ में कितने अवयव हैं दो, एफ में अवयव हैं छः, ये अवयव वहाँ रखेंगे तो आ जाएगा दो बट्टा छः, अर्थात एक बट्टा तीन अपना आंसर हो जाएगा। देखिए 10 के क्वेश्चन में पॉइंट नंबर बी बोला गया है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो। यदि ये ज्ञात है क्या कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है उसे तो मैं मान लेता हूं ई घटना। ई घटना क्या है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 है, योग 8 होना। और एफ घटना है वो ज्ञात है अपने को, लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है, लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। अब देखो ई घटना में मैं टोटल परिणाम लिख लेता हूं, ज्ञात अपने को वही पी ई अपॉन एफ ही करना है, फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखो ई घटना में क्या है, योग 8 होना। तो इन 36 परिणामों में वो परिणाम लेने हैं जिसमें दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग है वो 8 हो रहा है। तो देखिएगा कौन कौन से, इसमें तो नहीं मिलेगा कोई, इसमें ये रहा परिणाम 2 और 6, तो एक तो आ जाएगा 2,6 जिसमें योग 8 हो रहा है। उसके बाद में 3,5 योग 8 हो रहा है दोनों का। उसके बाद में 4,4 योग 8 हो रहा है। उसके बाद में 5,3 योग 8 हो रहा है। उसके बाद में 6,2 योग 8 हो रहा है। तो 6 ही परिणाम आएंगे, सॉरी 2,6, 3,5, 4,4, 5,3 और 6,2, ये टोटल परिणाम हो गए 1, 2, 3, 4, 5 परिणाम हो गए अपने, जिनमें योग 8 आएगा। एफ घटना में क्या दिया गया है, एफ घटना में दिया है लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है, लाल पासा। तो दूसरे वाली जितनी भी संख्याएं हैं ना इन परिणामों में वो लाल पासे पर हैं, लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। देखो 4, 5, 6, ये तीनों ही हट जाएंगे तो 4 से कम लाल पासे पर यही आएगा, 1,1, 1,2, 1,3, यहाँ दूसरे वाली संख्या है वो लाल पासे पर है। उसके बाद में 2,1, 2,2, फिर 2,3, ऐसे ही 3,1, 3,2, 3,3, 4,1, 4,2, 4,3, 5,1, 5,2, 5,3, 6,1, 6,2, 6,3, कितने परिणाम हो गए इसमें एफ में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एफ में टोटल परिणाम हो गए अपने पास 18। अब हमें ई
इंटरसेक्शन एफ देखना है कि ई इंटरसेक्शन एफ में कितने अवयव हैं। तो 2.6 यहाँ है, 2.6 यहाँ है, क्या नहीं मिलेगा। 3.5 यहाँ भी नहीं मिलेगा। 4.4 इसमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एफ में जो परिणाम है उसमें लाल पासे पर संख्या 4 से कम आई है। तो लाल पासे पर देखो संख्या 4 से कम है क्या, नहीं है। ये है क्या, नहीं है। ये है क्या, ये भी नहीं है। ये है क्या, बिल्कुल है। तो 5.3 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये रहा 5.3, ये रहा 5.3। 6.2, 6.2 अर्थात कॉमन क्या आ रहे हैं, कॉमन दो ही अवयव आ रहे हैं। कौन कौन से? एक तो 5.3 और एक आ रहा है 6.2। अर्थात ई इंटरसेक्शन एफ में टोटल अवयव कितने हैं? ई इंटरसेक्शन एफ में टोटल अवयव हैं 2। तो ई इंटरसेक्शन एफ में अवयव की संख्या 2 यहाँ लिख देंगे, एफ में अवयव की संख्या 18 यहाँ लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 2/18 यानी 1/9 अपना आंसर हो जाएगा। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 इन 5 क्वेश्चन का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैं 2 क्वेश्चन छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले रहा हूँ। 16 और 17 का इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। यदि पी ए बराबर दिया है 1/2, मतलब ए की प्रायिकता 1/2 दी है, बी की प्रायिकता दी हुई है 0, तो अपने से पूछा है पी ए अपॉन बी। देखिएगा पी ए अपॉन बी जब हम ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी, या फिर फॉर्मूला लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। देखिए ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कुछ है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बताया कि बी की प्रायिकता तो 0 है। जैसे ही मैं यहाँ बी की प्रायिकता 0 लिखूंगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा फिर, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा अपरिभाषित, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है पी ए अपॉन बी में बी की प्रायिकता कभी 0 नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है बी की प्रायिकता तो 0 है। बी की प्रायिकता जैसे ही मैं 0 लिखूंगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा अपरिभाषित। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो लिखा हुआ है, यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि ए अपॉन बी की प्रायिकता और बी अपॉन ए की प्रायिकता बराबर हैं लेकिन 0 नहीं है। अपने को लिखा ए अपॉन बी की प्रायिकता और बी अपॉन ए की प्रायिकता दोनों बराबर हैं, तो मैं ए अपॉन बी की प्रायिकता का फॉर्मूला लिखता हूं पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में आ जाएगा पी बी। ऐसे ही पी बी अपॉन ए के लिए लिखेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में आ जाएगा पी। आप देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता से ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कैंसिल हो गई, तो ऊपर आ जाएगा 1/PB बराबर 1/PA यानी ए की प्रायिकता। यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा ए की प्रायिकता बराबर बी की प्रायिकता। ए की प्रायिकता किसके बराबर होगी? बी के प्रायिकता की। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।